अपने अनुसंधान द्वारा समाज एवं देश की प्रगति के लिए भागीदार बने। आज भूमंडलीकरण, जिसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, की वजह से वैज्ञानिकों के सामने में बहुत सारी चुनौतियां खड़ी हुई हैं। विज्ञान जगत में तेजी से गति से उन्नतियां हो रही हैं, जिसका परिणाम हमारे समाज पर भी देखा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इंजीनियरिंग जैसे विषयों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसे हमें भागीदार होकर हमें उच्चतम स्थान प्राप्त करना होगा। CSIR ने इस बारे में कुछ दृढ़ कदम उठाए हैं और इन प्रौद्योगिकियों के विकास पर कर्मठतापूर्वक एक कार्य शुरू किया है। यह कार्य हम मानते हैं कि हम अकेले नहीं कर पाएंगे और इस वजह से अन्य एजेंसियों जैसे कि ICAR, ICMR, DBT, MSME, इनकी मदद से हम काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इस प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए एक रोड मैप भी हम लोगों ने बनाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह CSIR ने हमारे समाज की उन्नति में आज तक भागीदारी की है, उसी तरह आने वाले समय में भी हम इस प्रयास में प्रतिबद्ध रहेंगे। मैं पुनः इस समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद। मंत्रालय से जुड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी का हर विजन देशवासियों के किसी ना किसी सपने से जुड़ा हुआ है। माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी स्वयं विज्ञान वेत्ता होने के नाते उन सपनों को प्रखरता से पूर्णता तक पहुंचा रहे हैं। हम निवेदन करते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेस, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डॉक्टर हर्षवर्धन से कि कृपया हमें संबोधित करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर विजय राघवन जी, पद्म भूषण डॉक्टर VK सारस्वत जी, डॉक्टर शेखर मांडे जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे वैज्ञानिक गण, सभी डॉक्टर भटनागर अवार्डीज, सभी अन्य अतिथिगण, मीडिया के मित्र साथियों, हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमें आशीर्वाद मिल रहा है। मैं सभी भटनागर अवार्डीज़ को हृदय की गहराइयों से अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज नेशनल साइंस डे भी है। हम डॉक्टर CV रमन को भी याद करते हैं उनके नोबेल प्राइज़ के लिए, उनके रमन इफ़ेक्ट के लिए, और CSIR के पहले डायरेक्टर जनरल और जिनको फादर ऑफ रिसर्च लेबॉरटरीज कहा जाता था डॉक्टर SS भटनागर, उनकी भी पुनीत स्मृति को आज के इस अवसर पर हम नमन करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पिछले 5 साल में हम सबका बहुत सौभाग्य रहा है कि हमें प्रधानमंत्री जी का सभी वैज्ञानिकों को श्रेष्ठ मार्गदर्शन रहा है और उनके मार्गदर्शन में हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं CSIR के लिए, तो विशेष रूप से मैं समझता हूं डॉक्टर SS भटनागर बहुत खुश होते आज के इस अवसर पर हम आज नमन करते हैं। 1207 दुनिया की सबसे समझता हूं कि CSIR का पिछले 5 साल में हम सबका बहुत सौभाग्य रहा है कि हमें आ गया है प्रधानमंत्री जी का सभी वैज्ञानिकों को श्रेष्ठ मार्गदर्शन। हमारा नेशनल साइंस डे का थीम भी और उनके मार्गदर्शन में हमने साइंस फॉर सोसाइटी एंड सोसाइटी फॉर साइंस उपलब्धियां हासिल की हैं और हमारे प्रधानमंत्री CSIR के लिए, तो विशेष रूप से मैं समझता हूं डॉक्टर SS भटनागर बहुत आए हैं खुश होते आज के इस अवसर पर हम नमन करते हैं। 1207 दुनिया की मैं ये समझता हूँ कि पिछले 5 साल में हम सबका बहुत सौभाग्य रहा है कि हमें आ गया है प्रधानमंत्री जी का सभी वैज्ञानिकों को लोगों के जीवन श्रेष्ठ मार्गदर्शन। हमारा नेशनल साइंस डे का थीम भी और उनके मार्गदर्शन में हमने साइंस कर सके। हमें इस बात की खुशी है कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने शुरू किया था जय जवान जय किसान, और उसमें जय विज्ञान जोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने,
हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उसके अंदर जय अनुसंधान जोड़ दिया और 21वीं शताब्दी जो इनोवेशन की शताब्दी है उसमें शायद सारी दुनिया के अंदर सबसे फ्रंट से अगर कोई इनोवेशन के लिए लीड कर रहा है वो हमने पेरिस में देखा जब उन्होंने मिशन इनोवेशन लॉन्च कराया, वो हमने भारत में देखा जब इतना रॉबस्ट स्टार्टअप और स्टैंडअप सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, इनोवेशन इकोसिस्टम को इतनी ताकत देने के लिए सब प्रकार के हमारे को साधन उपलब्ध कराए और आज उनके नेतृत्व में भारत में कोई भी नौजवान जिसके पास कोई भी एक विचार है, कोई भी आइडिया है, उस आइडिया को वो एंटरप्रेन्योरशिप में परिवर्तित करना चाहता है, उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा पूरा आशीर्वाद उसके पीछे खड़ा है। आज के इस अवसर पर साइंस के बारे में ज़्यादा मेरा बोलने का मन नहीं, क्योंकि बहुत कुछ आप सब जानते हैं और लगातार हम लोग 5 साल से बात कर रहे हैं। संभवतः इस टेन्योर का हमारे वैज्ञानिकों के लिए ये प्रधानमंत्री जी का जो है शायद इस टेन्योर का अंतिम जो है फंक्शन हो सकता है और इसलिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सब की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक असाधारण ऊर्जा वाले, असाधारण योग्यता वाले, असाधारण क्षमता वाले, असाधारण दूरदृष्टि वाले ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जिनके बारे में अगर हम ये कहें कि हम सबका सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं तो इसमें कोई किसी भी किस्म की अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतने सारे उन्होंने हमारे को कार्यक्रम दिए, इतने सारे मिशंस दिए और आज जब 5 साल की समाप्ति पर हम किसी भी कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं, किसी भी कार्यक्रम के मिशन के बारे में सोचते हैं तो उसके करोड़ों लाभार्थी हैं। कोई ऐसा मिशन नहीं है जिसके अंदर हम ये ना कह सकें कि ये जो है केवल कागज़ पे था और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने आइडियाज़ को मिशंस में परिवर्तित किया और मिशंस को जो है उन्होंने आने वाले पिछले 5 सालों के अंदर जो है योजनाएं बनाकर लोगों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस तरह से जो है असाधारण तरीके से उनकी मॉनिटरिंग की, मैं समझता हूं कि हर भारतवासी नतमस्तक होकर उन्हें प्रणाम करना चाहता है। उनके नेतृत्व की कला, उनके नेतृत्व की क्षमता, उसको आज जो चैलेंजिंग टाइम के अंदर भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार का उन्होंने नेतृत्व भारत को प्रदान किया है कि आज भारत के 132 करोड़ लोग जो है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर असाधारण तरीके से गर्व कर रहे हैं और उनको लगता है कि पहली बार అంటే మాకు బలం లేదని చెప్తూనే మాకు బలం ఉందని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. మనల్ని గుర్తిస్తున్నారు అంటే మన గురించి మాట్లాడుతున్నారంటే మనకు బలం ఉందని అర్థం. మన మీద దాడి చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు బలహీన పడుతున్నారు అని అర్థం. అభి హమారే సైనిక తో వహీ హై, వహీ వీర సైనిక హై, వహీ హమారే ఎయిర్ ఫోర్స్ కే లోగ్ హై, లేకిన్ ఉన్కో నేతృత్వ దేనే వాలా జో హై, నేతృత్వ కర్తా జో హై వో బదల్ గయా और उसका परिणाम हम सब लोगों ने देखा। चार अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री को जो है पिछले कुछ 4 तो मुझे पता है और भी शायद पूरे दुनिया में अगर कोई भी निर्णय होता है तो लोग ये ज़रूर कहते हैं, लोग ये ज़रूर सोचते हैं कि प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी से भी एक बार सलाह कर लो। नरेंद्र मोदी जी ने एनवायरनमेंट में लोगों को दिशा दी है, इकोनॉमी में लोगों को दिशा दी है और हर पैरामीटर के ऊपर भारत जो है दुनिया में ऊंचाइयों तक पहुँचा है। आने वाले समय में वो एक बड़े सपने के ऊपर काम कर रहे हैं, भारत को 2022 तक वो न्यू इंडिया बनाकर देना चाहते हैं जिसमें खुशहाली हो, सब प्रकार की तकलीफें दूर हों, सबके चेहरे पर मुस्कान हो और मैं ये समझता हूँ कि हम वैज्ञानिक मिलकर उनके उस सपने को साकार करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आइए आज मैं ये समझता हूँ कि पिछले 5 साल में हम सबका बहुत सौभाग्य रहा है कि हमें प्रधानमंत्री जी का सभी वैज्ञानिकों को श्रेष्ठ मार्गदर्शन रहा है और उनके मार्गदर्शन में हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं CSIR के लिए तो विशेष रूप से मैं समझता हूँ डॉक्टर SS भटनागर बहुत
खुश होते होंगे ये जानकर कि आज 1207 दुनिया की संस्थाओं में CSIR का अंतर्राष्ट्रीय रैंक 9वें स्थान तक आ गया है। इस बार का हमारा नेशनल साइंस डे का थीम भी साइंस फॉर सोसाइटी एंड सोसाइटी फॉर साइंस है और हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही बात हमसे निरंतर कहते आए हैं। इसको उन्होंने अपने तरीके से पहली साइंस कांग्रेस में कहा था कि हम हमारी साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, उस अनुसंधान पर ध्यान दें जो अनुसंधान लोगों के जीवन को बेहतर कर सके, उनकी अनसुलझी समस्याओं का समाधान कर सके। हमें इस बात की खुशी है कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने शुरू किया था जय जवान जय किसान और उसमें जय विज्ञान जोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने उसके अंदर जय अनुसंधान जोड़ दिया और 21वीं शताब्दी जो इनोवेशन की शताब्दी है उसमें शायद सारी दुनिया के अंदर सबसे फ्रंट से अगर कोई इनोवेशन के लिए लीड कर रहा है वो हमने पेरिस में देखा जब उन्होंने मिशन इनोवेशन लॉन्च कराया, वो हमने भारत में देखा जब इतना रॉबस्ट स्टार्टअप और स्टैंडअप सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, इनोवेशन इकोसिस्टम को इतनी ताकत देने के लिए सब प्रकार के हमारे को साधन उपलब्ध कराए और आज उनके नेतृत्व में भारत में कोई भी नौजवान जिसके पास कोई भी एक विचार है कोई भी आइडिया है उस आइडिया को वो एंटरप्रेन्योरशिप में परिवर्तित करना चाहता है उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा पूरा आशीर्वाद उसके पीछे खड़ा है। आज के इस अवसर पर साइंस के बारे में ज़्यादा मेरा बोलने का मन नहीं क्योंकि बहुत कुछ आप सब जानते हैं और लगातार हम लोग 5 साल से बात कर रहे हैं। संभवतः इस टेन्योर का हमारे वैज्ञानिकों के लिए ये प्रधानमंत्री जी का जो है शायद इस टेन्योर का अंतिम जो है फंक्शन हो सकता है और इसलिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सब की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक असाधारण ऊर्जा वाले असाधारण योग्यता वाले असाधारण क्षमता वाले असाधारण दूरदृष्टि वाले ऐसे प्रधानमंत्री हमको मिले हैं जिनके बारे में अगर हम ये कहें कि हम सबका सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं तो इसमें कोई किसी भी किस्म की अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतने सारे उन्होंने हमारे को कार्यक्रम दिए इतने सारे मिशंस दिए और आज जब 5 साल की समाप्ति पर हम किसी भी कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं किसी भी कार्यक्रम के मिशन के बारे में सोचते हैं तो उसके करोड़ों लाभार्थी हैं। कोई ऐसा मिशन नहीं है जिसके अंदर हम ये ना कह सकें कि ये जो है केवल कागज़ पे था और जिस तरह से प्रधानमंत्री रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज Dr. Venkata Narayana Padmanabhan of Microsoft Research India Bengaluru for his pioneering work on smartphone-based sensing and mobile communication. In Mathematical Sciences, SSP Award goes to two scientists, Dr. Amalindu Krishna of Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, for his outstanding contributions to key theory. Dr. Naveen Garg of IIT New Delhi for his outstanding contributions in solving, scheduling and facilitating location problems using mathematical programming techniques, and he is not able to come. So we move forward. In Medical Sciences, SSV Award goes to Dr. Niaz Ahmed of Hyderabad University for his outstanding contributions to the functional epidemiology of chronic pathogens. In Physical Sciences, SSV Award goes to two scientists, Dr. S. A. Ramakrishna of IIT Kanpur for his fundamental contributions in the field of metamaterials and photonic materials.
And Dr. Sudhir Kumar Vempati of IISc Bengaluru for his commendable contributions in particle physics spanning from supersymmetry to extra dimensions and from the Higgs boson to neutrino physics. And now I request all the SSP awardees to please stay there itself for the photo opportunity. Thank you. Now we move towards the Shanti Swarup Bhatnagar Prize for the year 2017. In biological sciences, two scientists are being given 2017 Bhatnagar Award. Dr. Deepak Nair of Regional Center of Biotechnology, Faridabad, for his outstanding contributions in providing deep mechanistic insights into accurate initiation of genome replication by viral RNA polymerases. Dr. Sanjeev Das of National Institute of Immunology, New Delhi, for his outstanding contributions in the area of cancer biology. In chemical sciences, SSB award goes to Dr. G. Naresh Patwari of IIT Mumbai for his significant experimental work on vibrational spectroscopy in the gas phase. In Earth, Atmosphere, Ocean and Planetary Sciences, SSB Award goes to Dr. Suresh Babu of Vikram Sarabhai Space Center, Thiruvananthapuram, for his outstanding contributions towards understanding the radiative impacts of black carbon aerosols on atmospheric stability and climate. In Engineering Sciences, SSB Award goes to two scientists, Dr. Alok Paul of IISc Bengaluru, for his work in outstanding of multi-component solid-state diffusion. And Dr. Nilesh Mehta of IISc Bengaluru for his notable contributions in the areas of wireless communication, energy harvesting, wireless networks, interference modeling, and cooperative communications. In Medical Sciences, SSP Award 2017 goes to two scientists, Dr. Amit Dutt of ECTRAC, Tata Memorial Center, Mumbai, for his outstanding contributions to cancer genetics. And Dr. Deepak Gaur of Jawaharlal Nehru University, New Delhi, for his discovery of novel molecular mechanism essential for red cell invasion by malaria parasites and highly potent targets for malaria vaccine development. In physical sciences, SSB award goes to two scientists, Dr. Nisin Kanekar of National Center for Radio Astrophysics, and he's not able to come, so we move forward. And Dr. Vinay Gupta of CSIR National Physical Laboratory, New Delhi, for his outstanding contributions in the area of organic solar cells, multifunctional fragmentation carbon nanotubes arrays. And we can have the photo opportunity with the Honorable Prime Minister. Thank you. The Shanti Swarup Bhatnagar Prize for the year 2018 in Biological Sciences, SSB Award goes to two scientists, Dr. Ganesh Nagaraju of IISc Bengaluru, for his outstanding contributions in uncovering the mechanistic basics of RAG51 paralox functions in genome homeostasis. And Dr. Thomas Bukadil of ICER Pune for his contribution in understanding the biogenesis and dynamics of vesicle compartment in biological membranes.
In chemical sciences also, SSP award goes to two scientists. Dr. Rahul Banerjee of ISR Kolkata for his outstanding contributions in using the principles of crystal engineering for synthesizing metal organic frameworks and covalent organic frameworks. And Dr. Swadhin Kumar Mandal of ISR Kolkata for his outstanding contributions in the area of catalysis oriented towards utilization carbon dioxide and the relevance to fuel cell. In Earth, Atmosphere, Ocean and Planetary Sciences, SSP award goes to two scientists, Dr. M.V. Ratnam of National Atmospheric Research Laboratory, Tirupati, for his outstanding contributions to middle atmospheric structure and dynamics. And Dr. Parthasarathy Chakraborty of CSIR NIO Goa for his outstanding research in speciation and cycling of trace metals in tropical marine systems. In engineering sciences, SSP award goes to two scientists, Dr. Amit Agrawal of IIT Mumbai for his outstanding experimental, theoretical and numerical contributions to the area of fluid mechanics. And Dr. Ashwin Gumaste of IIT Mumbai for his outstanding contributions to the development of end-to-end carrier class networking solutions and carrier Ethernet switch routers, which are deployed extensively in national infrastructure. In mathematical sciences, SSP Award 2018 goes to two scientists, Dr. Amit Kumar of IIT New Delhi for his outstanding contributions to the design of new models for online problems and novel algorithms for problems in clustering, scheduling, and network design. And Dr. Nitin Saxena of IIT Kanpur for his outstanding work on the polynomial identity testing approach. In physical sciences, SSP award goes to two scientists, Dr. Aditi Sen Day of Harish Chandra Research Institute, Allahabad, for her significant contributions to quantum information and communication. And Dr. Amrish Ghosh of IISc Bengaluru for his outstanding contributions to understanding and control of motion at the nanoscale. Medical Sciences, SSP award goes to Dr. Ganeshan Venkata Subramanian of NIMHANS for his outstanding clinical research in schizophrenia. I request all the awardees to kindly stay back for the photo opportunity. Thank you so much, all the awardees. Bahut bahut dhanyavad, Mananiya Pradhan Mantri Ji. Congratulations to all the awardees. देश को ही देव मानने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी देशभक्ति की पराकाष्ठा हैं।
जिनके दिव्य दृष्टि नेतृत्व में इन पौने पांच सालों में देश ने जाने कितने कीर्तिमान स्थापित कर डाले। भारत की मिट्टी से जुड़े माननीय प्रधानमंत्री जी भारत की आत्मा को खूब समझते हैं। हर विषय का ज्ञान है उन्हें, भारत की पहचान है उन्हें। माननीय प्रधानमंत्री जी का मानना है कि विज्ञान तथा तकनीक जहां तिरंगे की शान बने, वहीं इनकी वजह से गरीब को भी सर उठाकर जीने का सम्मान मिले। भारत में एक नए युग की शुरुआत करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से हम सबका विनम्र निवेदन है कि कृपया हमें संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन दें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, सीएसआईआर के डायरेक्टर डॉक्टर शेखर सिंह मांडे जी, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर के विजय राघवन जी, नीति आयोग के सदस्य श्री वी के सारस्वत जी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे साथियों, आप तो लेबोरेटरी में जिंदगी गुजारने वाले लोग हैं और आप में एक पहले पायलट प्रोजेक्ट करने की परंपरा होती है और पायलट प्रोजेक्ट होने के बाद स्केलेबल किया जाता है, तो अभी अभी एक पायलट प्रोजेक्ट हो गया। अभी रियल करना है, पहले तो प्रैक्टिस थी और रियल ये है, एक्चुअली स्टैंडिंग ओवेशन आज के अवार्ड विजेताओं को है, हम सब स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। तो पहले वाला प्रैक्टिस था, ये रियल था। आज नेशनल साइंस डे पर आप सभी के बीच आने का अवसर मिला है। आप सभी भलीभांति जानते हैं कि ये दिन महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के रमन इफेक्ट के आविष्कार की याद में मनाया जाता है। इसी उपलब्धि ने देश को विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल दिलाया था। मैं डॉक्टर रमन को श्रद्धांजलि देने के साथ ही विज्ञान दिवस पर आपको और पूरे वैज्ञानिक जगत को, विज्ञान के प्रत्येक विद्यार्थी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरी कामना है कि आप सभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े अपने प्रयासों में सफल हो और इसका लाभ देश की जनता को मिल सके। आज शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार पाने वाले विजेताओं और उनके परिवारों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी उपलब्धियों पर हमें गर्व है, हिंदुस्तान को गर्व है। मैंने परिवारजनों को भी विशेष बधाई इसलिए दी क्योंकि वैज्ञानिक लेबोरेटरी में जिंदगी खपाता है और इसलिए सबसे ज्यादा त्याग तपस्या परिवारजनों की होती है। आपके प्रयासों से, आपके कार्यों से देश और समाज को लाभ मिला है और ये कार्य ऐसे होते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी उसका लाभ मिलता रहता है। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान नए भारत का रास्ता बने, इसके लिए इस प्रकार के पुरस्कारों और नेशनल साइंस डे जैसे आयोजनों की भूमिका बहुत अहम है। साथ ही इस वर्ष की थीम बहुत ही प्रासंगिक है। मैं खुद भी विज्ञान को लोगों की जरूरतों से जोड़ने के विचार का आग्रही रहता हूं। हमारी सरकार
अपने तमाम कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिए भी इस दिशा में कुछ न कुछ प्रयास कर रही है। साथियों, हमारे पास डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड, इसका डिविडेंड है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन चुका है। हमारे युवाओं की महत्वाकांक्षाएं सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर उनकी ललक हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसे में हमें साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को जनता से जोड़कर उन्हें समाज की आकांक्षाओं और जरूरत के अनुरूप बनाना होगा। इस साल जालंधर में इंडियन साइंस कांग्रेस के दौरान मैंने कहा था कि भारत की असली ताकत भी यही है कि हां, विज्ञान को समाज की जरूरत से जोड़ा जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी, हमारा एक एक वैज्ञानिक, परमाणु ऊर्जा, स्पेस साइंस और रक्षा से जुड़े अपने कौशल को लगातार उन्नत करते जाएंगे। साथियों, हमारे देश के लोगों को अब बेस से कम कुछ नहीं चाहिए। हमारा स्टैंडर्ड काफी ऊपर चला गया है। अगर हमारी संस्थाओं की सोच पुरानी होगी तो हम आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। साइंस से जुड़े हमारे इंस्टीट्यूट्स को भी भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से खुद को घड़ना होगा। हमें अपनी मौलिक शक्ति को बनाए रखते हुए भविष्य के समाज और इकोनॉमी के हिसाब से ढलना होगा। मैंने अपने प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर से इस बारे में एक समग्र योजना बनाकर आगे बढ़ने के लिए आग्रह किया है। इसमें आप सभी की साझेदारी भी बहुत जरूरी है। साथियों, जब इच्छा शक्ति हो तो सीमित संसाधनों में भी कैसे अद्भुत परिणाम दिए जा सकते हैं, इसका उदाहरण हमारा स्पेस प्रोग्राम है। हमारा मून मिशन हो, मार्स मिशन हो या फिर सैटेलाइट लॉन्चिंग के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां, दुनिया को आप जैसे हमारे अनेक वैज्ञानिकों के कौशल ने ही चकित किया है। अपने पहले ही प्रयास में हमने मंगल ग्रह के ऑर्बिट में अपना मंगलयान सफलतापूर्वक भेज दिया था। ऐसे करने वाले हम पहले एशियाई देश थे। अभी तक जो हमने हासिल किया है उसे मुझे पूरा विश्वास है कि वर्ष 2022 तक देश का अपना गगनयान सफलतापूर्वक देश के अपने बेटे बेटियों को अंतरिक्ष में ले जाएगा और वहां तिरंगा फहराएगा। साथियों, हमारे साइंटिस्ट ने, आप सभी ने हमेशा मानवता की भलाई के लिए हमेशा अपना योगदान दिया है। जिन क्षेत्रों में आपने बेहतर काम किया है और जो देश के सामान्य मानवीय के जीवन को आसान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसमें से एक है हमारा फार्मा सेक्टर भी। फार्मा के मामले में भारत आज दुनिया का छठा सबसे बड़ा मार्केट है और दुनिया का तीसरा सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। आज भारतीय दवाएं 200 से ज्यादा देशों में निर्यात की जा रही है। साथियों, हमारे फार्मा सेक्टर के विकास के पीछे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब्स यानी CSIR लैब्स जैसी तकनीक की ताकत है। CSIR लैब्स को इस बात का भी पूरा क्रेडिट जाता है कि दुनिया में मिलने वाली महंगी दवाएं आज देश में बहुत ही कम दामों में उपलब्ध है। उनके पास जो दवा बनाने का ज्ञान है और भारत के जंगलों में जो दवा से जुड़े पौधों का खजाना है, उसे CSIR का और अधिक विस्तार तय है। मैं समझता हूं कि अब हमारे फार्मा सेक्टर को और बायोटेक को और गति देने का समय आ गया है और इसके लिए
जेनरिक्स और बायोसिमिलर्स की उपलब्धियों में इनोवेशंस को जोड़ना होगा। साथियों, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा किया जा रहा एक और प्रयास सराहनीय है, एरोमा मिशन। एरोमा मिशन के जरिए जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में अपना वो पहुंच बढ़ा रहा है और मुझे बताया गया है कि पिछले 18 महीनों में देश भर में करीब 3000 हेक्टेयर भूमि पर एरोमेटिक प्लांट्स की खेती को पहुंचाया गया है। इसके लिए सीएसआईआर की पूरी टीम बधाई के पात्र है। एरोमेटिक प्लांट्स के अलावा बायोफ्यूल के मामले में भी सीएसआईआर बड़ी भूमिका निभा रहा है। सीएसआईआर ने जो एविएशन बायोफ्यूल बनाया है उसका सफल ट्रायल भी हो चुका है। 27 अगस्त 2018 को पहली बार देहरादून से दिल्ली तक यह जहाज उड़ाया गया था। इससे भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो बायोफ्यूल से जहाज उड़ा सकते हैं। सिर्फ सिविल ही नहीं बल्कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर हमारी एयरफोर्स के जेट ने भी बायोफ्यूल का इस्तेमाल किया। साथियों, अब एक नए तरह के फ्यूल की जरूरत पड़ने वाली है। अगले दो दशक में बिग डेटा, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कई नई तकनीक का दौर आने वाला है। ये सारी तकनीक डेटा पर आधारित होगी और इसलिए अब कहा जाना लगा है कि दुनिया में नया ईंधन डेटा ही होने वाला है। इन नई जरूरतों को देखते हुए हमारी सरकार ने नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स अभियान लॉन्च किया है। करीब 3,500 करोड़ इस अभियान पर खर्च किए जाने हैं। इसके तहत अगले 5 साल में रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग, बिग डेटा एनालिसिस, क्वांटम कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के R&D को बढ़ावा मिलेगा। साथियों, केंद्र सरकार ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स भी बनाई है जिसे भारत इंडस्ट्री 4.0 के लिए तैयार हो सके। मैं वैज्ञानिक समुदाय और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट से अपील करता हूं कि चौथी औद्योगिक क्रांति के इस शुरुआती दौर में विश्व की दिशा बदलने वाली नई तकनीकों को विकसित करें ताकि भारत मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज और टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्री का ग्लोबल हब बन सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग देश में कृषि से लेकर परिवहन और हेल्थ केयर से लेकर मौसम विज्ञान तक में किया जा सकता है। इसमें वो ताकत है कि हम विकास और तरक्की के रास्ते पर अपने तय किए गए लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आज विकसित हो रही तकनीकों को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता है। इसके लिए नई तरह की सोच की जरूरत है। क्रॉस डिसिप्लिनरी रिसर्च इस सोच को और शक्ति दे सकता है। यानी रिसर्च का एक ऐसा वातावरण बने जहां के इंजीनियर्स सेल बायोलॉजिस्ट के साथ काम कर सके, एक केमिस्ट आर्ट से प्रेरणा ले सके, एक फिजिसिस्ट और सोशल साइंटिस्ट एक साथ सोच सके और काम कर सके। अलग अलग डिसिप्लिन और आइडियाज का यह संगम निश्चित रूप से R&D आधारित इनोवेशन का एक नया कल्चर विकसित करेगा। मुझे विश्वास है कि इस कल्चर को हमारी सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किया जा रहे प्रयासों में भी बल मिलेगा। हमारी सरकार ने शिक्षा और खासकर उच्च शिक्षा के विकास के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। हम रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ा रहे हैं। उच्च शिक्षा के संस्थाओं को स्वायत्तता दी जा रही है ताकि शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सके। इसी प्रयास में 21 यूनिवर्सिटीज समेत 60 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ग्रेडेड ऑटोनॉमी दी गई है। IIMs को स्वायत्तता देने के पीछे भी
सरकार की यही सोच है. इसी तरह इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस पर भी काम शुरू किया जा चुका है. ऐसे संस्थानों को भी पूरी स्वायत्तता दी जा रही है ताकि वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में अपनी जगह बना सके. ये भी हमारा राष्ट्रीय दायित्व है कि हम अपने युवा वर्ग की सोच को प्रेरित कर सके, उसमें साइंटिफिक टेंपर विकसित कर सके, क्योंकि वही हमारा भविष्य है और भविष्य में वही भारत की बागडोर संभालेंगे जो दुनिया को रास्ता दिखाने वाली है. साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी का असर तब ज्यादा होता है जब उसका प्रभाव समाज के अंतिम व्यक्ति और वंचित वर्ग को मिलता है. ऐसे में विज्ञान और तकनीक को देश की चुनौतियों से जोड़ने के साथ ही देश की सभी वैज्ञानिक एजेंसियों को इस अभियान का हिस्सा बनाना भी आवश्यक है और इसलिए हमारी रिसर्च को सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाना होगा. हेल्थ केयर, एफोर्डेबल हाउसिंग, क्लीन एनर्जी, पर्यावरण, वेस्ट मैनेजमेंट, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, साइबर सिक्योरिटी, वैल्यू एडिशन जैसे सवालों का उत्तर बनना पड़ेगा. और मेरा मानना है कि साइंस फंडामेंटल होना चाहिए, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है. साइंस फंडामेंटल होना चाहिए लेकिन टेक्नोलॉजी लोकल हो. टेक्नोलॉजी लोकल का मतलब यह है कि उसको भारतीय परिस्थितियों और जरूरतों का जवाब बनना होगा. ये अभियान सफल हो इसके लिए हमें अपने साइलोज से बाहर निकलना पड़ेगा. टुकड़ों में सोचने की जगह समग्र सोच रखनी होगी. अगर एक पेड़ लगाना है तो गड्ढा कोई खोदेगा, बीज कोई बोएगा और पानी कोई और डालेगा, इस सोच से काम नहीं चल सकता है. हमें लक्ष्य स्पष्ट रखने होंगे, तभी मार्ग की हमें साफ दिखाई देगा. तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बदलने के लिए हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से के उद्योग दोनों सक्षम है और ऊर्जा से भरे हुए हैं. लेकिन कंपटीशन के इस दौर में खुद को आगे रखने के लिए हमें और बड़े कदम उठाने होंगे, नई दिशाएं तय करनी होगी. समाज की इन्हीं चुनौतियों के जवाब ढूंढने के लिए प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल भी गंभीरता से काम कर रही है. साथियों, हमें आपकी क्षमताओं पर, आपके कौशल पर, आपके सामर्थ्य पर पूरा भरोसा है. आपकी इसी सामर्थ्य से ही न्यू इंडिया के लिए नए आविष्कार होंगे, नई तकनीक के बारे में सोचा जाएगा और विज्ञान के जरिए जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से देश आगे बढ़ेगा और तभी हमारी साइंस और रिसर्च का फायदा हमारे जवान को भी होगा और हमारे किसान को भी होगा. एक बार फिर जिन महान पुरुषों ने विज्ञान के क्षेत्र में साधना की है, ऐसे सभी ऋषितुल्य वैज्ञानिकों को आज पुरस्कार प्राप्त हुआ है, मैं उन सबको आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं. आप सभी को नेशनल साइंस डे की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी. देश गर्व की अनुभूति हर भारतीयों को देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन शॉल से करने के लिए हमारा आग्रह है माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी से. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी आपकी उपस्थिति के लिए, हम सबका उत्साह वर्धन करने के लिए. इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामय उपस्थिति हम सबके लिए एक यादगार दिन की तरह है. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी. आप सभी से अनुरोध है थोड़ी देर अपने ही स्थान पर रहें, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान कर रहे हैं.